नवागत एसएसपी जोगिंदर कुमार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन गरल अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना झंघा संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कच्ची शराब कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लहर नष्ट किया। साथ ही बनाई गई अवैध कच्ची शराब को वहीं जमींदोज कर दिया। ऑपरेशन गरल अभियान के दौरान ग्राम मिनियान टोला सहित अन्य ग्रामों में स्थानीय थाने की फोर्स के साथ दबिश देकर भारी मात्रा में लहर नष्ट किया गया। झंघा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक झंघा संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाने की पुलिस फोर्स टीम द्वारा कच्ची शराब कारोबारियों के अड्डे पर छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में लहर नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जो लोग इस अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त है उन लोगों का नाम सामने आने के बाद उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, नहीं ये इंस्पेक्टर जाना द्वारा मियान टोला में थाने की पुलिस के साथ जो है दबिश डाली गई और तकरीबन 1500 kg 1.5 क्विंटल जो है लहन नष्ट किया गया और सर वहाँ जो है भट्टियाँ जो होती हैं उनको नष्ट किया गया। नहीं अभी मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये बता रहे हैं कि पुलिस देख कर जो है मगर मछली मुलजिमानों को अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जो कारोबार में लिप्त हैं उनके मुकदमा मैंने बताया तो इनको चिन्हित कर इनके विरुद्ध कठोर विधि कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।